फ्रेंड्स, जय जिनेन्द्र। आज हम बना रहे हैं ऑरेंज आइसक्रीम। उसके लिए मैंने 3 गिलास सादा पानी ले लिया है पीने वाला। तो इसमें हम 2 टेबल स्पून चीनी डालेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग मीठा कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन वैसे 3 गिलास में इतनी मीठी लगेगा, चीनी इतनी लगेगी, क्योंकि थोड़ी आइसक्रीम मीठी ही अच्छी लगती है। जमने के बाद उसका टेस्ट थोड़ा फ्लेवर कम हो जाता है। तो इस प्रकार से हम इतनी चीनी लेंगे और इतना पानी लेंगे। इसको हम अच्छे से गला लेंगे पानी में। ऑरेंज आइसक्रीम सबको बहुत पसंद होती है, गर्मियों में एकदम ठंडक मिलती है इसे खाने से, तो कई लोगों पे ही। लेकिन मैं आज आपको ऐसी ट्रिक से बताऊंगी, आपकी आइसक्रीम बहुत अच्छी बनेगी। हम इस चीनी को इस पानी में गला लेते हैं। चीनी मेरी पानी में गल गई है, थोड़ी बहुत रह गई है अभी, और वो भी गल जाएगी। इसके लिए हमें ऑरेंज फ्लेवर चाहिए। आपके पास रसना हो तो आप रसना डाल लें, नहीं तो मार्केट में बहुत सारे कंपनी के ऑरेंज फ्लेवर मिलते हैं, आप वो कोई भी ला सकते हैं। ये मेरे पास एक क्रश वाला है, तो इसको मैं इसमें 2 टेबल स्पून ही ये ऑरेंज क्रश डालूंगी, जिससे हमारी आइसक्रीम में बहुत अच्छा टेस्ट आए। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऑरेंज फ्लेवर को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें एक नींबू का रस डालेंगे। नींबू का रस डालने से थोड़ा खट्टापन आएगा। वैसे तो ऑरेंज फ्लेवर में होता है, लेकिन कई बार बहुत स्क्वेयर्स मीठे होते हैं, तो इसलिए हम तो एक नींबू का रस मैंने इसमें डाला है। इससे और भी अच्छा टेस्ट आया, और ये हमारी आइसक्रीम जमने के बाद पत्थर जैसी नहीं हो, एकदम सॉफ्ट सी रहे नींबू डालने पर। तो आज हम है ना आइसक्रीम भी जमाएंगे इसका, और थोड़ा गोला भी बनाएंगे, ऑरेंज गोला घर पर जो मार्केट में मिलता है, तो वो भी हम इसी पानी से ऑरेंज गोला बनाएंगे आइसक्रीम। अभी हमारा पानी ऑरेंज वाला तैयार है, अब इसी से हम आइसक्रीम जमाएंगे। इस आइसक्रीम को हम जमाएंगे इस प्रकार के, आपके पास मोल्ड होंगे, ये आइसक्रीम के मोल्ड होते हैं, ये घर पर होते हैं। यदि आपके पास इस प्रकार के मोल्ड नहीं है तो आपके पास इस प्रकार के डिस्पोजल गिलास होते हैं, आप इसमें भी जमा सकते हैं। और यदि ये भी नहीं है तो घर में छोटी सी गिलास ही होती है इस प्रकार से, तो आप इसमें भी जमा सकते हैं, किसी में भी आप इस आइसक्रीम को जमा सकते हैं। मैं आपको तीनों में ये वाली आइसक्रीम जमा कर बताऊंगी। मैं सबसे पहले ये जो आइसक्रीम का मोल्ड आता है मार्केट में, इसमें जमा करूंगी। इसमें बहुत आसानी से हमारी आइसक्रीम जम जाएगी। ये डिस्पोजल गिलास है, इसमें भी हम अपनी पानी ऑरेंज वाला पानी भर लेंगे। ये आइसक्रीम बहुत अच्छी बनती है, बहुत सॉफ्ट, एकदम पत्थर जैसी नहीं होती और मार्केट जैसी लगती है। इस प्रकार से हम सभी अपने बाउल ये आइसक्रीम ये भर लेंगे। ये गिलासी, इस प्रकार की गिलासी होती है, इसको भी हम भर लेंगे। एक ये छोटी सी है, इसको भी मैं जमाने के लिए हम फ्रीज में रखेंगे। तो इनके ऊपर हम इस प्रकार से फॉइल पेपर लगा देंगे, जिससे इसमें हमारे अंदर आइस नहीं जमे। इसी प्रकार हम सबको मैं इस प्रकार से फॉइल पेपर लगा देते हैं। तब मैंने फॉइल पेपर लगा दी। अब इसके अंदर हम अपनी स्टिक लगाएंगे। इस प्रकार से बीच में थोड़ा सा होल कर देंगे, इससे हमारी आइसक्रीम स्टिक इसमें चली जाए और इसमें जमकर निकले। ये मैंने आइसक्रीम स्टिक लिए हैं, इनको मैं इसमें इस प्रकार से छेद कराए इस प्रकार से डाल दूंगी। और हम आइसक्रीम को अपने जमने रख देते हैं रात भर के लिए, इससे अच्छे से हमारी आइसक्रीम जम जाए। ये मैंने सब में लगा दिया है। अब इसको मैं 8 घंटे के लिए फ्रीजर में रख दूंगी, इसे जमे, और मैं आपको कल इसका वीडियो दिखाती हूँ।
ये ऑरेंज पानी मेरा आधा बच गया है। अब हम इसका गोला बनाएंगे घर पर ही, बहुत टेस्टी गोला जो हम मार्केट में खाते हैं, इस पानी का हम गोला बनाएंगे। तो जो मेरे ऑरेंज आइसक्रीम का है बस वही है। अब इसको हमें हैंड मिक्सर से मिक्स करना है, इस प्रकार से इसके पानी को हमें मिक्स करना है। यदि आपके पास हैंड मिक्सर नहीं है तो आप मिक्सी में भी इस प्रकार से कर सकते हैं ऑन ऑफ करके, जिससे हमारा पानी इसमें बबल्स बन जाएंगे। तो बबल्स बनने के बाद इसका में गोला बनेगा, तो बहुत अच्छा हमारा गोला बनेगा। हमें ये वाली प्रोसेसर जरूर करनी है, तभी हमारा गोला घर में बहुत अच्छा बनेगा। ये हमारा जो ऑरेंज पानी है वो ही है, इसे मैं 2 से 3 मिनट हैंड मिक्सर से चला लेती हूँ। मैंने हैंड मिक्सर से अच्छे से चला लिया है। और एक हम प्लास्टिक का ढक्कन वाला बाउल ले लेंगे, अब इसमें हम इसे ट्रांसफर कर देंगे और इसका ढक्कन लगाकर इसको भी हम 8 घंटे फ्रीजर में जमने के लिए रख देते हैं। फिर मैं आपको बताऊंगी इसका गोला किस प्रकार से बनेगा। इसको हम जमने के लिए फ्रीजर में रख देते हैं, कल मैं आपको ये जम जाते हैं उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। इसे फ्रीजर में रख देती हूँ 8 घंटे, 7 से 8 घंटे यदि बिजली जाती है इन दिनों तो आप चेक कर लें आपका जमा है कि नहीं, तो थोड़ा टाइम भी लग सकता है। इसे जमने रख देते हैं, 8 घंटे हो गए। पूरी रात मैंने आइसक्रीम को रखा था और मेरी आइसक्रीम ऑरेंज वाली अच्छे से जम गई है। अब इसको हम आपको निकाल के दिखाती हूँ कितनी अच्छी मेरी आइसक्रीम जमी है। ये मैंने इसको थोड़ा सा अपने हाथ से गर्म कर लेंगे जिससे हमारी आइसक्रीम आसानी से निकल जाए। एक कप में भी है, छोटी सी मेरी गिलासी, ये सब में बहुत अच्छी से आइसक्रीम जम गई। लेकिन इसका कलर थोड़ा ऑरेंज नहीं आया, क्योंकि पता नहीं फ्लेवर में ऑरेंज ब्लिंग टेस्ट ऑरेंज वाला ही है। तो सबसे पहले हम कप वाला निकालेंगे, तो कप को हम इस प्रकार से आसानी से फाड़ देते हैं। और ये देखिए हमारी आइसक्रीम कितनी बढ़िया निकली है। इसी प्रकार मैं अपनी सारी आइसक्रीम, ये देखिए कितनी अच्छी मेरी सभी आइसक्रीम निकली हैं। मैं सभी आइसक्रीम आपको एक बार निकाल कर बता रही हूँ। इसी प्रकार हम अपनी सारी आइसक्रीम निकाल लेंगे और ये देखिए कितनी अच्छी हमारी आइसक्रीम घर पर ही बनी है। एक आइसक्रीम खा लो पूरे बॉडी को ठंडक मिल जाएगी, वो बच्चे भी खुश, और एकदम अपने फ्रेश आइसक्रीम बनी है, कोई इसमें प्रिजर्वेटिव वगैरह कुछ भी नहीं डाला है। आप भी एक बार ज़रूर बनाना। और जो मैंने क्रश बनाया था गोला, अभी आपको उसे भी बताती हूँ। और जो मैंने प्लास्टिक के डिब्बे में भी ऑरेंज फ्लेवर जमाया था वो उसे मैं गोले के रूप में बनाऊँगी। इस प्रकार से ये मेरा अच्छे से जम गया। अब इसे हम गोले का रूप कैसे देंगे, इस प्रकार से हम फॉक ले लेंगे और फॉक से इस प्रकार से इसे ऐसे करते जाएंगे तो निकलता जाएगा क्रस। ये देखिए ये हमारा इस प्रकार से क्रस निकलता जाएगा। इसी प्रकार हम अपनी पूरी आइसक्रीम को कर लेंगे। मैं अभी आपको पूरी आइसक्रीम मेरी करके बताती हूँ, इस प्रकार क्रस हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा बिल्कुल गोले जैसा ये लग रहा है। इस प्रकार फॉक्स से करेंगे और इसे एक बाउल में निकालते जाएंगे। आपको यदि अभी खाना है तो अभी खा ले, नहीं तो इस प्रकार से पूरा कर लेंगे हम क्रस फॉक्स से, तो ये निकलता आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि हमने इसे ग्राइंडर में करा था तो इससे हमारी सॉफ्ट हो गया वो। तो इस प्रकार के निकाल के इसको पूरा करने के बाद हम इसे फ्रीजर में फिर दोबारा 8 घंटे के लिए जमाएंगे, तो ये हमारा क्रस ही जमेगा बिल्कुल। फिर हम इसे अच्छे से इसका एंजॉय ले सकते हैं। ये देखिए मैंने एक बाउल में निकाल लिया,
अभी आप अभी खाना भी नहीं तो इसे और थोड़ा टाइट जमाना है। तो इस प्रकार से पूरा क्रश करने के बाद इसी डिब्बे में और ढक्कन लगा के 8 घंटे फिर से इसे ठंडा कर लें फ्रीजर में रख के। तो ये बिल्कुल हमारा क्रस एकदम टाइट हो जाएगा, बिल्कुल गोले की तरह। ये है ना, बिल्कुल बहुत आसानी से आप गोला बना सकते हैं। अलग अलग फ्लेवर में आप इस प्रकार से आइसक्रीम जमा कर और ये बनाएं, बच्चों को ये गर्मियों में बहुत पसंद आएगा। जो मार्केट के गोले की डिमांड करते हैं वो डिमांड नहीं करेंगे। आप जरूर एक बार ये रेसिपी ट्राई करें, आपका गोला भी बहुत अच्छा बनेगा। ये देखिए पूरा क्रश हो गया है और ये कितना अच्छा मेरा गोला बना है। अगली रेसिपी में हम आपसे फिर मिलते हैं। यदि आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर नहीं किया तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए, और पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इस प्रकार से आप भी घर पे गोला ऑरेंज आइसक्रीम बना सकते हैं। अब इसको मैं जमने देती हूँ और जब हमें खाना होगा जब अपना ढक्कन खोलो और बच्चों को दो, बच्चे पूरा एंजॉय करेंगे। अगली रेसिपी में हम फिर मिलते हैं, जब तक के लिए जय जिनेंद्र।